महाराज की श्री प्राण प्यारे की श्री बेबी जी की जय बोल बोल पंजे वाले की समस्त सुंदर साथ की जय सभी मिलकर के भजन कीर्तन और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इसी बीच में श्री बेबी जी ट्रस्ट के ट्रस्टी जी जिनके माध्यम से यहाँ आने के लिए सूचित किया गया, सर्वप्रथम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सत्संग का लाभ हम सभी को प्राप्त होने वाला है। तो प्यारे सुंदर सान जी, आज हम बात करते हैं मेहर सागर के ऊपर में, जिस मेहर के लिए हमारी जो रूह है वो हर हमेशा चाहते हैं मेहर हो, परंतु ये मेहर को किस तरह से हम प्राप्त कर पाएं, ये मेहर को कैसे हम अपने जीवन के अंदर में उतार सकें, इसीलिए हम थोड़ी सी चर्चा ये मेहर सागर के आधार पर यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है सभी को? तो सुंदर सार जी, अब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, क्योंकि ये अद्वैत वाणी की वर्षा है, उसके बीच में यदि कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई अन्य साउंड होता है ना, तो पूरा ध्यान सभी का भटक जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम अपने पूरे ध्यान को एकाग्र चित्त करते हुए इस आठवें सागर की महानता के विषय में श्रवण करें। जैसे महामती श्री प्राण जी कह रहे हैं, एक खेल हुआ मेहर वास्ते माहे खेलावे सब मेहर, जाति मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। हम डेली मेहर सागर का पाठ कभी 5-11 बार, कभी उससे भी ज्यादा भी करते हैं। हर चौपाई को पढ़ते तो हैं, लेकिन अब हम उस चौपाई की गहराई अर्थात कि जो उसका तात्पर्य है उसमें प्रवेश करेंगे। महामती ने कहा तो सही कि ये जो खेल हुआ है वो मेहर के कारण ही हुआ, परंतु ऐसा क्यों कहा? ये जो संसार की रचना करी गई है वो संसार तमाम ब्रह्म क्रियाओं की इच्छा पूर्ति के लिए बनाया गया, तो इस ब्रह्मांड के अंदर आने का हमारा जो मुख्य कारण बनता है वो क्या है? श्री राजी महाराज की मेहर की अनुभूति कर पाना। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ, पूछो, इजाजत है? ये पूरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, उसमें कोई सही या गलत की गुंजाइश नहीं है। क्या हमें मेहर की अनुभूति होती है अपने निजी जीवन में?
होती है। एक उदाहरण दीजिए कैसे होती है, कैसे अनुभव करते हैं मेहर हो रही है। जैसे कोई मन में ऐसी बात आती है और घबराहट होने लग जाती है और ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, उस टाइम फिर यही मेरे सागर या राजी को याद करते हैं या एक चुपये आशिक शर्मा बोलते हैं तो उसी टाइम में हो जाती है। ये सच्चाई है, ये अपना निजी अनुभव आपने हमसे शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक रूह को जो अनुभव होता है वो उससे अलग अलग अनुभव, अलग प्रकार के अनुभव सभी के अंदर होते हैं इस मेहर सागर को लेकर के। तो बहन जी ने जैसे बताया कि जिस वक्त मन असमंजस के अंदर में पड़ जाता है और आपको कोई भी प्रश्न ऐसे खलने लगता है कि उसका सचोट जवाब या सटीक जवाब हमको मिल नहीं पाता है, तब यदि आप निजनाम जाप और मेहर सागर का पाठ करेंगे तो उस मेहर सागर के पाठ से हमारा दिल श्री राज जी से जुड़ता है। मैं बार बार सुंदर साथ से ये कह रही हूँ कि धनी जी के हृदय में ये सागर है, इसीलिए धनी जी के हृदय से हमारे हृदय को जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने मेहर की अनुभूति करनी है तो जब आपका दिल उनके हृदय से जुड़ जाए तो वहां जो हो रहे मेहर के सागर का विस्तार है। जैसे हमने कहा कि मेहर सागर में लहर पे लहर, लहर पे लहर आती है, ऐसी कितनी लहरें आती है, अगणित इन्फिनिट लहरें उठती हैं। तो उन लहरों का यदि हमने अनुभव करना है अपने जीवन के अंदर तो हमें क्या चाहिए कि हमारा दिल श्री राज जी के दिल से एकाकार हो जाए, तब हमें जाकर ये मेहर की अनुभूति होती है। दूसरा प्रश्न, इजाजत है पूछे, श्री राज जी की मेहर कब से कब तक होती है? थोड़ा अटपटा है, बचपन से लेकर बुढ़ापा हर क्षण हर समय होती है। सुंदर साथ जी, जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सूर्योदय से लेकर के धीरे 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 व्यापक हो जाता है और ये सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्यापक ही रहता है, इसी तरह से मेहर, ध्यान से सुनिए, इसी तरह से श्री राजी महाराज की मेहर वो सर्वत्र व्यापक ही रहती है। कोई कोना नहीं है, कोई पल नहीं है जिसे आप निकाल के बताओ यहाँ मेहर नहीं है, मेहर है हर क्षण हर पल के अंदर और हर रेत कण के अंदर श्री राज जी की मेहर है। फिर भी ऐसे क्षण आ जाते हैं, ऐसा दौर चल जाता है हमारे जीवन के अंदर जहां हम अनुभूति नहीं कर पा रहे, हमें लगता है इतने दुख पे दुख आ रहे हैं मेरे ऊपर और साहेब की दृष्टि मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ रही, क्यों मेहर नहीं करते हैं, होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे क्षण जीवन के अंदर में आ जाते हैं। अब इसका एक सरल उदाहरण दिया जाए तो क्या है, जिससे सूर्य का उदय हुआ तो सर्वत्र वो प्रकाश व्यापक हो जाता है और जब सर्वत्र प्रकाश व्यापक होने के बाद भी अगर हम अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दें, सारी खिड़कियां बंद कर दें और रोशनी आने के लिए आप एक मार्ग भी ना छोड़े, बाहर पूरा उजाला है फिर भी घर के अंदर वो उजाला बिल्कुल नहीं महसूस होता है, ठीक इसी प्रकार से मेहर तो हर पल हर क्षण और हर जगह में व्यापक है ही। अगर कहीं कोई ऐसा समय जीवन के अंदर आ जाए जहां पर हम उस मेहर की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जो किवाड़ है और जो शरीर के अंदर आए हुए गोख खिड़की किवाड़ ये सब को बंद करके रखा है, अवरुद्ध करके रखा है, जिसके कारण से वो मेहर होते हुए भी हमें उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर हमने उस मेहर की अनुभूति करनी है तो हमें क्या करना होगा, उस किवाड़
बंद रखा है उसकी वाड़ को खोल दे, उस खिड़की को आप खोल दे। ऐसा खोल देने पर वो मेहर, वो सूर्य प्रकाश जिसे हमने रोक रखा था अपने अंदर आने से, वो सूर्य प्रकाश जैसे घर में प्रवेश होता है ठीक इसी प्रकार से वो मेहर हमारे अंदर अनुभव होने लग जाती है। तो ये मेहर की अनुभूति है। जब दुख आया, दुख आने से क्या हुआ, नजरें खुली। जब तक दुख नहीं होता, सुख ही सुख के समय के अंदर जब हम लोग चल रहे होते हैं, वही सेजा सुख और वही अच्छा अच्छा खान पान, वही अच्छा अच्छा पहनना ओढ़ना, तो उस सुख की स्थिति में हमने वो सारे दरवाजे अनुभूति करने के क्या कर दिए, बंद कर दिए। क्यों? जब जाहिरी चीजें आपको अच्छे प्रकार से मिल रही होती हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसी स्थिति में आपको मेहर के अनुभूति की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। जब दुख जीवन में आते हैं तो उस दुख के अंदर हमें अनुभूति होती है कि कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति जो हमारे बल में नहीं, हमारे हाथों में नहीं है, परंतु वो शक्ति हमारे लिए रक्षा कवच का काम करने लग जाती है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसी अद्भुत एनर्जी है जो श्री राज जी बख्शिश करते हैं और जो हम अनुभव करते हैं। मगर अगर आपने किवाड़ और खिड़कियों को बंद कर दिया तो मेहर की अनुभूति नहीं हो पाएगी सुंदर सा जी। तो मेहर सागर का ये जो पाठ हम लोग कर रहे हैं, ये भजन कीर्तन करते हैं, श्री राज जी के मेहर को जब हम पुकारते हैं, तो ये मेहर को पुकारने का कारण क्या है कि हे धनी, जो आपकी कृपा दृष्टि है, जो आपकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का अनुभव मेरे दिल में हो। दिल के अलावा मन इन शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाएगा, मन की अपनी सीमा है। मन की सीमा कहां तक है, वो अक्षर ब्रह्म के अक्षर धाम मतलब कहां चौखट तक जा सकता है, मगर वो मन पूरी गहराई में नहीं उतर पाएगा। इसीलिए जब धनी की शक्तियों का अनुभव पाना हो, करना हो, तो वो अनुभव हमें कहां होगा, वो हमारे हृदय में होगा। इसीलिए मेहर सागर करते हुए हम अपने हृदय को धनी जी के हृदय से जोड़ लेते हैं। साथ जी, दुनिया संसार घूम लीजिए, कई सारे पाठ आपने सुने होंगे ना, हनुमान चालीसा हो गया, इसी तरह किसी देवी का आपने कोई पाठ वगैरह पढ़ लिया, तो कई सारे प्रकार के ऐसे पाठ होते हैं। वो सारे पाठ करने से जिस तरह उन देवी से जुड़ जाते हैं, हनुमान जी का पाठ करो उनसे जुड़ जाते हैं, राम जी का पाठ करो तो उनसे जुड़ जाते हैं, मेहर सागर श्री राज जी के हृदय से आया हुआ होने के कारण आप किनसे जुड़ रहे हैं, केवल और केवल श्री राज जी महाराज से हम जुड़ जाते हैं। और सुंदर साहब जी, जो धनी से जुड़ गया उसे और कहां जाने की आवश्यकता है। जब तक धनी से जुड़े हुए नहीं थे तो आप संसार के अंदर विभिन्न चीजों की मांग करते करते मारे मारे फिरते थे, लेकिन जैसे आप धनी जी के साथ में जुड़ गए, उस एक मेहर के आवरण के तले आप जब आ गए, उसी मेहर के अंदर आपको समदीद की सुख, सब प्रकार की नियामतों का अनुभव होने लगा। तो इसी कारण से कहा कि साथ जी, एक खेल हुआ मेहर वास्ते। अगर खेल में आए ना होते तो ये क्या धाम में अनुभव कर पाते, ये धाम में अनुभव नहीं हो सकता था, क्योंकि धाम के अंदर निरंतर सुख ही सुख, सुख ही सुख का अनुभव हो सकता है। धाम के अंदर हमें दुख और सुख का जो एक साथ साइमल्टेनियस जो अनुभव होना है, वो अनुभूति हमें
परमधाम में नहीं होगी। इसीलिए धनी जी ने क्या किया, इस खेल की रचना करके हमें इस खेल में भेज दिया। अब आप माताएं बहने हैं ना, बच्चे कई बार ये प्रश्न उठाते हैं, अच्छे भले हम परमधाम में थे, अच्छे भले राजे महाराज जी के साथ में जीलना श्रृंगार खेलना ये सारे सुख तो ले रहे थे, तो श्री राज जी ने हमें संसार में क्यों भेजा, ये प्रश्न बच्चे उठाते हैं। और अगर आपने बच्चों के इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़े, आप में अनुभूति है, आपको समझ में आ रहा है, परंतु उसकी छोटी सी उस बुद्धि के अंदर इस बात को कैसे प्रवेश कराना कि क्यों हम इस खेल में आए। सुंदर साथ जी सरल शब्दों में इसका उत्तर ये है कि धनी जी के मेहर की अनुभूति करने के लिए हम इस खेल हम इस संसार के बीच में आए हैं। तो जब बच्चे भी ये प्रश्न करें तो उन्हें इतना ही कहिए, क्योंकि माताओं बहनों के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है, अगर आप पाठ करती हो, आपके पास वो पाठ का फल आ गया, ये आपके लिए हुआ, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार के लिए करें, आप अपने संतान के लिए करें, सिर्फ अपने लिए नहीं। कोई माँ इतनी स्वार्थी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करे, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरे, ऐसी कोई माँ माँ ही नहीं होगी। माँ यानी वो निस्वार्थ है। तो आपका ये कर्तव्य कर्म है कि आप अपने बच्चों के लिए करें और उनको समझाते हुए कराएं। मेहर सागर की बात चल रही है, परंतु ये बात उसी के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। जैसे आपने वीता के अंदर में सुना है ना, एक जो जमुना बहन है, उन्होंने अपने पुत्र को एक सेवा दिया है, वो सेवा जल पिलाने की सेवा है। किनको पिलाना है जल, श्री प्रेरणा जी को जल पिलाना है। कब पिलाना है, जब प्रात में श्री प्रेरणा जी उठते हैं, उस समय जल का लोटा तैयार करके वहां हाजिर करते हैं, वो छविलदास जी की सेवा है। वो उन्हें कहां से मिली, उनके मातुश्री ने वो सेवा उनको एक वसीयत के रूप में वारसी के रूप में प्रदान करी थी। हम आप माताएं बहने हैं, इसीलिए मैं जानबूझ करके इस टॉपिक को खोल रही हूं यहां कि आपने अपने बच्चों को क्या दिया। आप उनको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छा खाने पीने और रहने की सुविधा व्यवस्था देते हैं, लेकिन इसी के साथ श्री परमधाम की ये नियामत जो आपको मिली है, क्या आपने बच्चों को दी, आपको लगता है आपने दी, कितने दिए, 20%, 50%, कितने, जितनी कोशिश तो करते हैं जितनी वो ले सके। हाँ बैठ के बोलिए। सुंदर सा जी हमारे हाथों में है, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, आप चाहो उसका 10% दे दो, चाहो उसका 100% ही क्यों ना दे दो, वो आपकी है, आपको कितना देना है। लेकिन सौगात की एक बात ये याद रहे कि ये आपका ही कर्तव्य कर्म है कि अपने संतानों को और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप ये मेहर सागर करें, उनके लिए रक्षा कवच के रूप में आप खड़े हो, उनके लिए ये ज्ञान ये इलम का स्रोत बन करके आप खड़े हो। जो आप करोगे वो वे करेंगे। आपने बच्चों को देखा हो, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो आप कर रहे होते हैं आपको इमिटेट करते हैं। जो भी आपने किया, आपने अगर पुस्तक लेके पढ़ी होगी तो वो ही करेंगे। अगर आपने खाना खाते समय कोई एक्शन किया होगा ना, उसको तुरंत वही पकड़ लेंगे, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, उनको तो ज्ञान नहीं, अबोध बालक हैं। तो जो आपने किया उसी को वो पकड़ते हैं। इसीलिए माताओं बहनों का ये कर्तव्य कर्म प्रायः बनता है कि आप अपने संतानों को इस मेहर सागर का
धनी जी की इस ज्ञान का पूरा पूरा वारसा उनको प्रदान करें। तो आप माता हुई, नहीं तो आपने जो अपने लिए किया, आप अकेले आ गए, आपने यहाँ की सारी सेवाएं कर ली, लेकिन आपके पीछे वो सेवा इस बेबी जी मंदिर में हो अथवा हमारे दूसरे मंदिर में हो तो कौन करेंगे, ये सोचा है? आपके बाद वो सेवा कौन करेंगे? इसलिए जो सेवा आप कर रहे हैं उसकी वारसी आप अपने संतानों को अवश्य दीजिए। खेल हुआ मेहर वास्ते, तो आप मेहर की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी का कर्तव्य क्या बनता है, आप सभी का ये कर्तव्य है स्वयं जागना और अपने घर में दीपक की तरह रोशनी करके सभी को जगाना। हालांकि घर वाले ऐसे ही नहीं जागते, कभी कभी वो हमें भी सुला देते हैं, होता है ना, उनका प्रेशर जब बढ़ने लगता है ना तो हमें भी सुला देते हैं। लेकिन उस समय यदि आपने इस मेहर के ऊपर पूरी तरह अपना आधार बना लिया होगा तो वो आपके अधीन अवश्य हो जाएंगे। सुंदर साहब जी, माहे खेला इस सब मेहर, मेहर ने खेल बनाया, मेहर के द्वारा ही सब कोई इस ब्रह्मांड के अंदर में अपना अपना खेल खेल रहे हैं। आप अपना खेल रहे हैं, आप अपना खेल रहे हैं, आप अपना खेल रहे हैं, मैं मेरा खेल रही हूं, सबके अपने अपने खेल हैं। लेकिन इन सब खेल के पीछे एक चीज अवश्य हम लोगों को समझनी है, जो महामती श्री प्राणा जी का दिया हुआ आदेश है हमारे ऊपर। जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने देखा है जयपुर सुंदर साथ में, सेवा भाव, आप लोग ऐसी सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर इसी के साथ ये भी याद रहे कि आपको इस सेवा की वारसी भी आगे बढ़ानी है। खुद करके जाना नहीं है, उसे और एक स्टेप आगे बढ़ाना है, अपने संतान में भी वो संस्कार को बीज आरोपण करके ही देना है, तो आपकी सेवा पूरी होगी। जैसे एक दृष्टांत दिया गया था कि जब श्री रामचंद्र जी उस सेतु बना रहे थे लंका को जाने के लिए, तो बड़े बड़े विशाल पत्थरों को लिया करके वो सेतु बंद बांधा जा रहा था। उस समय में सारी वानर सेवा एक्टिव हो करके वो सेतु बना रही है, और उसमें अग्रगण्य हनुमान जी थे। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया और उस पत्थर को लेकर के वो आगे बढ़ ही रहे थे, पीछे पीछे राम जी चले आ रहे थे, तो हनुमान जी अचानक वो पत्थर को लेकर के बिल्कुल खड़े हो गए। राम जी को लगा इनको अचानक क्या हुआ। जब हनुमान जी ऐसे खड़े हुए तो देखा कि नीचे एक जो खिसकोली बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, गिलहरी जा रही थी। वो गिलहरी हनुमान जी उसको देख रहे हैं। उसने क्या किया, पहले वो जल के अंदर डुबकी मारती है, जल में डुबकी मारती है, फिर उसके बाद जो वहां पे गीली रेती थी उस गीली रेती के अंदर वो बार बार उसमें अपने शरीर को भिगो देती है। फिर वो सेतु के ऊपर में जाती है और वहां सेतु के ऊपर जा करके वो सारे जो कण उसके शरीर पे लगे हुए थे वो सब उस सेतु के ऊपर गिरा देती है। फिर से जाती है, फिर से वही करती है। तो जब हनुमान जी के आगे वो गिलहरी आकर के खड़ी हो जाती है, हनुमान जी स्तब्ध होके खड़े हो गए, मानो ऐसा लग रहा है अभी हनुमान जी कहेंगे प्लीज मुझे साइड दे दो, मुझे भी अपना पत्थर रखने दो वहां। और राम जी ने देखा हनुमान जी तो स्तब्ध हैं, स्तब्ध इसीलिए थे कि ये छोटी सी गिलहरी क्या बड़ा सेतु बना लेगी, हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहे हैं। परंतु राम जी की दृष्टि में क्या है, जितना बड़ा पत्थर हनुमान जी लेकर के आए और जो सेवा हनुमान जी ने करी है सेतु बनाने के लिए, इसी तरह उस छोटी सी गिलहरी ने ये कार्य करते हुए जितने रेत कण उसके ऊपर में उड़ेल दिए हैं, वो सारे रेत कण से उसने जो सेवा की वो अपने शरीर के अनुसार उसने सेवा की, मगर उसकी सेवा हनुमान जी की उस सेवा के बराबर है।
राम जी कहते हैं कि भले आप बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए हो, अगर आपकी सेवा के बराबर इस गिद्धी की सेवा भी आ जाती है, क्योंकि मैं भगवान है ना, भगवान कैसे दृष्टि रखते हैं, दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी दृष्टि के अंदर हे हनुमान जी, जो कार्य आपने किया उतना ही बड़ा कार्य ये गिलहरी भी कर रही है, क्योंकि मैं उस सेवा को छोटा या बड़ा स्वरूप समझ करके नहीं देखता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि उसका इंटेंशन क्या है, उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य सेतु बनाने का लक्ष्य था, अपने शरीर के अनुरूप उसने साथ दिया था, हाथ बटाया था, इसलिए राम जी ने उसे उतनी ही शोभा प्रदान की जितनी शोभा उन्होंने हनुमान जी को प्रदान की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजीव महाराज जो पल पल हमको देख रहे हैं, अगर हमने एक छोटे से शरीर के द्वारा अपने शरीर से जो भी श्री राजीव महाराज जी के प्रति सेवाएं की, तो उन सेवाओं का जो भाव बनता है राज्य की दृष्टि में वो कैसा है। आप कोई बहुत बड़ी सेवा करें ना करें, अपने घर में उजाला फैलाने की सेवा कर ली तो वो गिलहरी की तरह हो गई, और श्री राम जी ने जैसे उसको पूरे मार्क्स दे दिए थे, ऐसे ही श्री राज्य की दृष्टि में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने घर अंदर में वो उजाला फैलाने की सेवा की है। ये मैं बहुत एक्टिवली इसलिए बोल रही हूँ, दो वजह है। एक तो ये परम पावन मंदिर, जहाँ परम पूज्य बेबी जी, जिनके विषय में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है और अपने तहे दिल से मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, कि जिन्होंने जो दिव्य आत्मा ने इस तरह से वाणी को आत्मसात किया, इतना प्रकाश फैलाया कि आज उनकी अनुपस्थिति में आप माताएं बहनें आकर के इतनी सेवा कर रही हैं, तो ये उनका ही तो प्रताप है ना जो हम अनुभव कर रहे हैं। एक तो ये कारण, दूसरा कि यहाँ पर ज्यादातर देखो तो यहाँ माताएं बहनें मेजॉरिटी में नजर आ रहे हैं। इन माताओं बहनों को और थोड़ा उत्साह पड़ेगा, काम हो ही गया। इसीलिए इस सेवा को जो गिलहरी ने किया, उस सेवा को क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, कौन सी सेवा करते हैं, आज माताओं बहनों से ही प्रश्न है, भाइयों से, भाइयों को नहीं सुना है। हम जो सेवा कर रहे हैं वो कौन सी, कौन से भाव से सेवा कर रहे हैं। अच्छा मैं एक छोटा बोलती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश सेवा वाले प्रकट कीजिए, प्रेम सेवा। तो वो जो प्रेम सेवा हम लोग कर रहे हैं, जैसे मंदिरों में आकर के, वही सेवा उस गिलहरी ने वहां पर प्रदान की थी जब सेतु बनाने के लिए उसने अपने शरीर के बल के द्वारा उसके अनुकूलता के हिसाब से उसने मदद करी थी। तो हमारा ये कर्तव्य कर्म है कि हम अपने घर के अंदर ये रोशनी को अवश्य फैलाएं। माहे खेलाए सब मेहर, हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जो खेल देख रहा है, खेल में जो खेल रहा है वो कैसे खेल रहा है, वो भी मेहर के आधार पर ही खेल रहा है। धनी जी की वो मेहर है, मेहर एक रास्ता बता रही है, वो रास्ता श्री राज्य की ओर जाता है। जैसे बचपन में हम सभी ने एक गेम खेला था, सांप सीढ़ी वाला खेला है ना, जैसे ही आप आगे आगे बढ़ने लग जाते हो तो वो सांप आ जाता है, कभी कभी सीढ़ी मिल जाती है, सीढ़ी मिली तो अच्छा है कि और आगे बढ़ गए, सांप ने काट
किया तो जाके नीचे गिर गई, लेकिन रास्ता कहाँ जा रहा है? लक्ष्य तक जा रहा है ना, उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता जा रहा है, वो रास्ता मेहर है। माहे खेलाए सब मेहर, मेहर वो रास्ता बाहर निकलने का, इस खेल से निकलने का आपको दे रही है। लेकिन बीच बीच में कभी सीढ़ी मिलती है और कभी माया मिलती है, वो सांप मिल जाता है, तो कभी कभार चलते चलते गिर जाते हैं, कभी कभी हम चल रहे होते हैं, सीढ़ी मिल गई तो और चार कदम आगे बढ़ लिए। मूल रूप से ये सारा खेल मेहर करा रही है। मेहर से हम कभी वंचित नहीं है, लेकिन ये सीढ़ी और सांप क्यों आ जाते हैं? सीढ़ी और सांप इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्म इस प्रकार के हैं जिससे कभी ना कभी वो सीढ़ी मिलनी है, कभी ना कभी वो सांप मिलना। अगर आपको उस सांप को बाईपास कर लेना है, उसे छोड़ के अब आगे जाना है, तब क्या करना पड़ेगा? जो कर्म हम कर रहे हैं उसको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा, मतलब उसी को और अच्छी प्रकार से करते हुए जाना पड़ेगा। जो भी सेवा कार्य के अंदर जितनी लगन के द्वारा आपको सेवा कार्य करते हैं, उसी प्रकार उससे भी अधिक धनी जी को प्रसन्न करने हेतु जब हम सेवा करने लगे तो वो सीढ़ियां हमको मिल जाती हैं। देखो प्रेम सेवा का ये प्रभाव है। कभी अगर हमने प्रेम सेवा की हो तो ये अनुभव जरूर हमारे अंदर होगा। हम अगर कोई लक्ष्य रखकर के सेवा करते हैं, मेरा बेटा पास हो जाए, घर में एक सुंदर सी बहू आ जाए और मैं ये सेवा कर दूं, तो हम लोगों ने निस्वार्थपन से सेवा नहीं की, हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा, हमने राज्य से ये शर्त रख दी कि ऐसा हो तो मैं ये सेवा करूं। तो श्री राजी महाराज को ऐसी सेवा की कोई आवश्यकता है? वो सब भी समर्थ है, उन्होंने आपको सब दिया, अब आप कंडीशन लगा लगा करके उनसे कहते हैं ये हो जाए तो मैं सेवा करूं। सुंदर श्याम जी, लेकिन अगर निस्वार्थ दिल से कि मुझे मेरे धनी को प्रसन्न चित करने के लिए सेवा करनी है, यदि हमने उस भाव से सेवा की तो उस सेवा का फल क्या होगा? ऐसी जो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा है उसका फल अगणित है, अपार है, उसका कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। क्योंकि वहां पर ध्यान से सुनिए, ऐसी जगह जहां आपने प्रेम सेवा की, निस्वार्थ पद से जहां आपने सेवा की हो, उस जगह में डायरेक्ट श्री राजी की कृपा उतरती है, सीधी मेहर होती है। उल्टी मेहर भी होती है क्या? सीधी मेहर होने का क्या मतलब? कि सीधा आपके ऊपर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहां पर न खुलने का कोई दरवाजा खुल जाता है। वो जो सीढ़ी वाली बात हुई थी ना, वो सीढ़ी मिल जाती है। कारण जहां आप थे, अगर आप चार कदम आगे बढ़ने वाले थे, वहीं आपने 30 कदम आगे बढ़ा लिए। ये प्रेम सेवा का प्रभाव है। तो सुंदरसार जी, हम कई बार अपने जीवन के अंदर में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों की स्थितियों में फंस जाते हैं कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, मैं क्यों ऐसा करूं? अगर वो मुझे प्रतिसाद दे तो ही मैं ऐसा करूं। ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन उस समय हम अपना निजी स्वार्थ देख रहे होते हैं, इसीलिए हम ये सोचते हैं मैं ऐसा करूं तो उसने ऐसा करना है। मगर जब कोई भी सेवा करो, राजी के श्री चरणों में इसको अर्पण कर दिया, यही प्रेम सेवा आपको राजी की ओर से डायरेक्ट मेहर रूपी फल लाकर देती है, जिसके कारण जो बीच बीच में आपके वो सांप आने वाले थे, जो बीच बीच में आपके रुकावटें आने वाली थी, वो सब उस प्रेम सेवा के प्रताप से दूर हो जाते हैं।
ये मेहर की विशेषता है। तो माहे खेलावी सब मेहर, सब कोई इस मेहर के अंदर ही खेल रहे हैं, मगर मेहर के अंदर खेलते खेलते वो रास्ता जब तक नहीं मिल जाता तो हम कभी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी सांप कहता है माया दंत मार के नीचे पछाड़ देती है। इसलिए साथ जी, जिसने धनी जी की वाणी को ग्रहण किया वो हर बार सीढ़ी चढ़ते हैं। ये वाणी की ताकत है, वाणी का करिश्मा है। हमारे परम पूज्य बेबी जी नेत्रहीन होने के बाद भी कैसे उन्होंने इतनी छुपाया को मर्म के सहित दिल में उतारा। आज इसका फल ये है कि भले ही वो नहीं है शारीरिक रूप में न हो करके भी उनका महात्म्य अजर अमर हो चुका है और सारी माताएं बहने उनको पूजती हैं, उनके स्थान को पूजती हैं, भाई भी आते हैं तो उस स्थान की महिमा को पूजते हैं, सिफत करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनके तप की ये शक्ति है। ऐसे ही हम जब अपने जीवन को तप के माध्यम से तपाते हैं, तप करना क्या है, अपने शरीर को कसने दिया, अपने शरीर को तपाया। तपाने का ये मतलब नहीं है कि आपको समाधि लगा के बैठ जाना है, आपको सूर्य के नीचे बैठ करके तपना है या पंचाग्नि तपना, इसका मतलब ये नहीं होता है। ये बात ध्यान से सुनिए कि शरीर को तपाने का मतलब शरीर को वो कसने दीजिए जिससे धाम धनी जी की प्राप्ति हो जाए। और अगर संसार में कई प्रकार से तप किया जा सकता है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का तप वह है जहां आपने वाणी को ग्रहण किया, जहां आपने वाणी को आत्मसात करके दिल में उतार लिया। इसमें जो मेहनत आप कर रहे हो वो सबसे बड़ा तप ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है सरसा जी। इसीलिए अब आगे श्रीराज जी कहते हैं, जाके मेहर जुदी हुई। अब वो मेहर कहीं अगर हमसे अलग हो जाए, जुदी हो जाए, एक पाव पल के लिए मेहर ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तब क्या होने लगेगा? सारा आपके पास राजमहल का सुख है, आपके पास 56 व्यंजन है, सब कुछ होने के बाद में भी सब कुछ जहर के समान हो जाएगा क्योंकि उसमें श्री राज जी की अमीनस नहीं है। भोग लो चाहे जितना भोगना है, परंतु उसके द्वारा संतुष्टि कभी नहीं होगी। तो सुंदर सा जी एक एक चौपाई वो इतनी गहराई में हमको लेकर के जाती है कि प्रत्येक चौपाई के अंदर ऐसी ऐसी विलक्षण बातें छिपी हुई हैं। जब हम वाणी चर्चा के माध्यम से इन बातों को बाहर ले आते हैं तो ही ये सारी बातों के विषय हमें ये सब कुछ जानने के लिए मिल जाता है। उसके बिना हम केवल पढ़ते ही रह जाएंगे या बोलते ही रह जाएंगे। बोलने वाला तो पोपट भी होता है पर उसे अंदर की बातों का इल्म नहीं होता। तो साथ जी, जितना भी हो सके इस वाणी की गहराइयों में जाइए और इस वाणी के अंदर के गुणों को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। एक चौपाई ही क्यों ना हो भले, परंतु वो एक चौपाई से भी दिल पूरा उजाले से भर जाता है और वाणी दिल के अंदर ऐसा प्रभाव फैलाती है कि उस प्रभाव के कारण कई प्रकार के दुख कष्ट कसनियां जो भी जीवन में आते हैं वो सब नहिवत हो जाते हैं। हमारे जो पूर्वज थे जो पाकिस्तान से आए, रेफ्यूजी कैंप में जो जयपुर आकर के इस इलाके में बसने लगे, क्या उन्होंने कम कसनी देखी थी? उनकी कसनी के सामने हमारी कसनी तो कुछ है ही नहीं। हमारी जो कसनी है उसके सामने अब जो आने वाली जनरेशन है उनकी कसनी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कसनी जब आपने की
की तो वो अर्पण कर दीजिए श्री राम जी के श्री चरणों में, क्योंकि जब ये कसनी को अर्पण कर दिया तो श्री राम जी आपको जैसे उस गिलहरी को फल दिया गया था, वैसे ही हमारे प्रेम सेवा के कार्य को श्री राम जी महाराज ही फल देते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा, कर्म करो परंतु फल की आशा किए बिना करो। ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल देने वाले हैं, उनके हाथों में है, वो देना चाहे दे, जो देना चाहे वो फल दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का प्रमाण है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ जो दो प्रकार की मेहर की बातें होती हैं, जाहिरी भी है और बातुनी भी है, श्रेय सुख भी है, प्रेय सुख भी है। श्रेय सुख वो होता है जब संसार के भोग विलास में हम लिप्त हो जाते हैं, वो भी मेहर से ही मिलते हैं। अगर मेहर ना हो तो हर चीज के लिए हम ठोकरे खाते हैं, हर चीज के लिए हम कसनी करते हैं। तो जब हमको वो जाहिरी वस्तुओं का सुख मिलता है वो भी मेहर है, लेकिन वो मेहर अकेली पर्याप्त नहीं है। क्यों? अगर वो जाहिरी मेहर है लेकिन बातुनी मेहर अगर हमारे ऊपर नहीं होती, पिया की पहचान नहीं होती, धाम का वो रास्ता जब हमको नहीं मिलता तो बातुनी मेहर हमारे ऊपर नहीं हुई। केवल जाहिरी मेहर से संसार में हम यशस्वी हो गए, वैभव हमारे पास हो गया, लेकिन बातुनी मेहर के अभाव से श्री राम जी की पहचान नहीं होगी और न तो हमें परम धाम की पहचान होगी। इसीलिए श्री प्रार्थना जी कहते हैं, लोग देखे ऊपर का जहूर। लोग क्या चाहते हैं? इसीलिए तो आप मंदिरों के बाहर लाइन क्यों लगते हैं? क्या चाहते हैं? ऊपर का जहूर। यहां समझने की जगह है कि उस ऊपर के जहूर में जो कोई फंस चुके हैं ना, वो दुनिया संसार के बीच ही घूमते रहेंगे, लेकिन जाए अंदर मेहर कछु नहीं, उनके अंदर वो मेहर प्रवेश नहीं हुई, वो जाहिरी मेहर के अंदर सुख वैभव के अंदर खेलते रहे, लाइन की लाइन लगा करके वैभव मांगने लगे, वैभव भोगने लगे, मगर वो वैभव भोग करके 14 लोक से परे कोई जान नहीं सकते हैं साथ जी। इसीलिए आखर हो तक से दूर, जब जीवन का आखर आता है तब समझ में आता है कि मैंने मेरा जीवन जाहिरी मेहर को उपभोग करने में ही खर्च कर दिया। हालांकि श्री राम जी की वो पूर्ण मेहर मुझको प्राप्त होने वाली थी, हो सकती थी, पर उस मेहर की अनुभूति मैंने नहीं की। तभी हमने कहा ना कि घर के गोख खिड़की सब बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, बाहर सूर्य का प्रकाश है पर अंदर प्रवेश नहीं होगा। वैसे ही जब हमने केवल अपने आप को यहाँ की जाहिरी मेहर के अंदर लपेट लिया तो बातुनी मेहर तक पहुंचेंगे नहीं। बातुनी मेहर तक जब नहीं पहुंचेंगे तो श्री राम जी महाराज की इस गहराई की मेहर का अनुभव नहीं होगा। हम आए थे क्यों? खेल हुआ मेहर वास्ते, लेकिन उस मेहर की अनुभूति करने की जगह हमने संसार के सुख वैभव की अनुभूति कर ली, तो मेहर की अनुभूति हमें हो नहीं पाई। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, मेहर की अनुभूति करने के लिए सबसे पहला स्टेप, अपने दिल को श्री राम जी के दिल से जोड़ें। इस मेहर सागर के द्वारा कितनी चौपाइयां है मेहर सागर में? उतना ही पढ़ना है, उतना ही दिल में लेना है, उतना ही भाव से पढ़ना है। इसके द्वारा श्री राम जी के दिल के उस मेहर सागर से आप जुड़ गए। जैसे ही जुड़ गए, धनी जी की वो कृपा की दृष्टि, अमी भरी दृष्टि, अमृतमय नजरें आपके ऊपर पड़ी, तब क्या हुआ? आज हमने नेत्र के विषय सुना, कल हमने सुना था, वो नेत्र कैसे है? शीतलता से पूर्ण, प्रेम के सागर से पूर्ण,
इलम के सागर से पूर्णा, क्योंकि जितना सागर धनी जी के दिल में है वो सारे झलकते कहां से, नजरों से झलकते हैं। तो जहां धनी की वो दृष्टि पड़ी वो सागर के सागर आपके अंदर में आ जाते हैं। लगे हाथ आने वाले दिन जो वाणी चर्चा शिविर के अंदर में होने वाली है उसका टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। हम बात करेंगे श्री परमधाम के आठों सागरों के विषय की। ये आठ सागर किस तरह से सुशोभ्यमान है, ये आठ सागर के अंदर अपने अपने कौन कौन से गुण हैं, क्यों इन सागरों की चर्चा श्रवण करके इन सागर को अपने दिल में उतारना पड़ेगा ही। इन सागरों को दिल में उतारे बिना रूहों को छुटकारा नहीं है। उसमें एक बहुत उम्दा बहुत स्पेशल टॉपिक ये भी आता है। आठ सागर के अपने अपने गुण धर्म विशेषताएं तो है, ये आठ सागर के रंग भी अलग अलग हैं। जब जावे के ब्रह्मांड में हमारा आना हुआ, जब हमने खेल की मांग की, तब ये आठ सागरों का रंग आपस में अदला बदली हो गया। एक सागर की परछाई दूसरे पर, दूसरे सागर की परछाई तीसरे पर पड़ने लगी। अंतिम में जाकर के चौपाई के माध्यम से श्री प्राणा जी बताते हैं कि ये सागरों का रंग अदला बदली क्यों हुआ, और जब ये सागर हमारे दिल में आ जाएं तो हमारे ऊपर कौन सा रंग सवार होना चाहिए। मूल में जिस इश्क को लेना परमधाम में था, जिस परमधाम में हम शाश्वत प्रेम में रहते थे, अखंड अविरल प्रेम में रहते थे, उस प्रेम में कोई गड़बड़ नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कभी झगड़ा हो गया प्रेम घट गया, संसार में तो होता है ना, और ऐसा तो नहीं है कभी कुछ अच्छा हुआ प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ गया, ऐसी बात तो श्री परमधाम में है ही नहीं, गड़बड़ तो है ही नहीं। तो वो शाश्वत प्रेम है, अखंड प्रेम है, अविरल प्रेम है। जैसा प्रेम संसार में आने से पहले धाम में अनुभव करते थे ना, वो ही प्रेम, याद रखिए वो ही प्रेम यहाँ संसार से पुनः जब धाम में जागृत होंगे ना, तो वही शाश्वत प्रेम की अनुभूति करनी है। अनुभूति कहाँ करनी है, पहले जागृत होकर यहाँ अनुभव करना है। जब यह अनुभूति हो गई तो यहाँ से जागृत होने के बाद धाम में तो इससे करोड़ों गुना अनुभव होंगे। आही पण सुख घना मानिए, अरे आगर थाए विशेष, यहाँ भी सुख लेने हैं। जो आगे जाकर अर्थात परमधाम में जागृत होने के बाद कई करोड़ों गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो आठ सागरों की बात है, इन आठ सागरों के अपने अपने रंग और उन सब रंग की अदला बदली को समझ करके हमें ये जानना है कि परमधाम में जब हम थे तो जिस प्रेम की अवस्था में थे, वहां से वो प्रेम की अवस्था संसार में आने पर कैसे बदल गई। और जैसे मार्कंडेय ऋषि के विषय हमने सुना है, मार्कंडेय ऋषि जब वहां थे वैकुंठ के अंदर तो उनके सामने भगवान थे, जैसे ही वो फरामोशी में आ गए तब क्या हुआ, वो वैकुंठ भूल करके संसार मृत लोक के बन गए। संसार के बनने पर संसार के विकृतियों को धारण किया, अभी हमारे अंदर जो हमारा शरीर हमारी गुण इंद्रियां वो सब समक्ष रखेंगे। तो सुंदर साहब जी, जरूर से जरूर इन आठ
सागरों की जो चर्चा है इसे हमने श्रवण भी करनी है, दिल में भी उतारनी है। और जीवन तो ऐसे ही चलेगा, हम बोलते हैं कि रूटीन में ये समस्या है, बच्चे है ना, ये है ना, वो है ना, वो तो सब आजीवन रहना ही है, पर ये आजीवन नहीं है। जब ये वर्षा हो उस समय कृपा करके छाता मत खोल के खड़े हो जाइए, ये आपके लिए धनी जी ने वर्षा की है, तो इसका अपरंपार लाभ लीजिए। जो भी हो उससे आप आत्मसात कीजिए। ये करबद्ध विनंती आप सभी के समक्ष है कि हम जो सागरों का वर्णन करेंगे और उन सागरों को अपने दिल में उतारेंगे। सुंदर सा जी समय हो रहा है, इसलिए जो दोहराते हो सभी दोहराएंगे और फिर जयकारे के साथ आज की चर्चा को दिल में समेट करके अच्छी तरह से रखें। Thank you.
श्री
आश्रम जा
See you.